छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माता कर्मा चौक का अनावरण किया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का सूरजपुर जिले में प्रथम आगमन है। इसके बाद साहू समाज के सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके पश्चात मंत्री ताम्रध्वज साहू को विश्राम गृह पर जिला पुलिस बल सशस्त्र पुलिस अधिकारी कर्मचारी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। विश्राम गृह में नगरपालिका अध्यक्ष के अग्रवाल, उपाध्यक्ष रितेश गुप्ता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े की उपस्थिति में उन्होंने आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय समस्याओं पर लोगों के आवेदन लिए एवं जल्द निकारण की आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने हमेशा गरीब, किसान, आमजन से जुड़े मुद्दों पर विचार कर योजनाओं पर कार्य किया है। इसी प्रकार आगे भी विकास की राह पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य करेंगे। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कहा कि वार्ड में केवल सड़क पानी की समस्या ही नहीं रहती है, सरकार तक आमजनों की बातों को पहुंचाए, जिससे यह पता लग सके कि वास्तविकता में आम व्यक्ति शासन से क्या चाहता है। इसके लिए कार्य करने पर ही लोगों का हमेशा समर्थन प्राप्त हो सकता है। मंत्री साहू ने जिलेवासियों को दीपावली पर्व की अग्रिम बधाई दी। नगरपालिका अध्यक्ष एवं जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय व सूरजपुर के कॉलेज रोड की डामरीकरण के मांग पर लगभग 40 लाख राशि प्रदान करने की घोषणा की। सूरजपुर छठ घाट तक भी सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति देते हुए संबंधित विभाग को प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिया गया है। विश्राम गृह से मुख्य कार्यक्रम स्थल माता कर्मा चौक पहुंचे, जहां माता कर्मा की प्रतिमा का अनावरण प्राण प्रतिष्ठा के साथ किया गया। इसके पश्चात साधुराम सेवा कुंज में साहू समाज के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति जन जागरण अभियान एवं शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए, जिसमें उन्होंने साहू समाज के साथ ही समस्त समाज के लोगों को विकास करने के लिए नशा से दूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलाने के साथ साथ अपने उद्बोधन में कहा कि समाज का पहला एजेंडा सामाजिक समरसता है, इसी पर अमल करके सामाजिक विकास किया जा सकता है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चलाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के नारे को फिजिकल डिस्टेंस ही रखने को कहा, जिससे समाज में दूरी ना आए, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति प्रेम भाव बना रहे। सूरजपुर से संवाददाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें नए निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण था। माता कर्मा के चौक का अनावरण जो नगर पालिका और बाकी सामाजिक लोगों ने बनाया, तो बधाई दिया उनको, शुभकामनाएं दी, अच्छा काम करने की बात कही। सामाजिक समरसता बना के रखें, सब समाज से मिलजुल करके रखें, ये बातें मैंने कही हैं। नशा उन्मूलन का कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने शुरू किया है अपने समाज में, तो उनको भी मैंने बधाई दिया कि बहुत अच्छा काम आप लोगों ने शुरू किया है। देखिए, नक्सली मूवमेंट की रणनीति की हम लोग चर्चा बाहर नहीं करते, क्योंकि ये हमारा गोपनीय काम होता है और सतत प्रक्रिया है हमारा, रोजाना दिन रात चलते रहता है, हमारे जवान लगे रहते हैं। एक आध बार ऐसे होता है कि थोड़ी बहुत हमारी ज़्यादा कैजुअल्टी एक आध हो जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर्वाधिक नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। लोन वराटू हमारा एक स्कीम चला है घर वापसी, उसके तहत भी काफ़ी फायदा मिला है और हमारा फोर्स मजबूती से उनसे मुकाबला कर रहा है। ये बहुत साफ और स्पष्ट बात है, भाजपा की सरकार थी 10 क्विंटल खरीदते थे, हम लोग हड़ताल किए, 15 हुआ, 15 हम खरीद रहे हैं, 25 तो कहा हमने दिया, खरीदा, अभी भी खरीदेंगे। मात्र इतनी सी बात है, सब जानते हैं कि कोरोना में जूट मिल बंद हो गया कलकत्ता में, बोरा बनना ही बंद हो गया। अब आपके ऊपर ही उदाहरण देख कर रहा हूँ, आपके पास अगर 10 क्विंटल है आप घर में रख सकते हैं, किसी के पास 20 क्विंटल है वो घर में रख सकता है, किसी के पास 50 क्विंटल रख सकता है, पर सबको खरीद के 40 लाख क्विंटल को हम एक जगह रख नहीं सकते। खरीदेंगे, बोरदाना आ रहा है, जैसे ही आएगा शुरू करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.